नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धम्म संघान यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सद्धर्म का लोप कैसे होता है, सद्धर्म की हानि कैसी होती है, इस बारे में देखेंगे। संयुक्त निकाय के सद्धर्म पति रूपक सूत्र में इसका वर्णन मिलता है, जहाँ भगवान श्रावस्ती के जेतवन में अनाथ पिंडी के आराम में विहार कर रहे थे, तब आयुष्मान भगवान के पास गए और उन्हें अभिवादन कर एक और बैठ गए। भगवान से भंते महाकश्यप ने कहा, भंते क्या हेतु है, क्या कारण है? पहले शिक्षा पद बहुत कम थे, फिर भी अरहंतों की संख्या ज़्यादा थी, और आज शिक्षा पद यानी बुद्ध के प्रवचन या फिर सुत्त काफ़ी मात्रा में है, फिर भी अरहंतों की संख्या काफ़ी कम है। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, कश्यप ऐसा ही होता है, सत्व के हीन होने से और सद्धर्म के क्षय होने से बहुत शिक्षा पद होते हैं और कम भिक्षु अरहत पद में प्रतिष्ठित होते हैं। तभी भगवान ने और कहा, तब तक सद्धर्म का लोप नहीं होता जब तक सद्धर्म में कोई मिलावट नहीं होती। जब मिलावट की जाती है, नकली धर्म उठ खड़ा होता है, तब सद्धर्म का लोप हो जाता है। जैसे सोने का लोप नहीं होता जब तक उसमें मिलावट के मिश्रित नकली सोना तैयार नहीं किया जाता। और आगे भगवान कहते हैं, कश्यप ऐसे पांच कारण हैं जिनसे सद्धर्म का नष्ट होकर लुप्त हो जाता है। भगवान कौन से पांच? तब भगवान ने कहा, भिक्षु भिक्षुणी उपासक तथा उपासिकाएं बुद्ध के प्रति गौरव नहीं करते। दूसरा कारण, धम्म के प्रति गौरव नहीं करते। तीसरा कारण, संघ के प्रति गौरव नहीं करते। चौथा कारण, बुद्ध के शिक्षा के प्रति गौरव नहीं करते। और पांचवा कारण, समाधि के प्रति गौरव नहीं करते। कश्यप, यह पांच कारण है जिससे धर्म नष्ट होकर लुप्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि भिक्षु भिक्षुणी उपासक तथा उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ शिक्षा और समाधि के प्रति गौरव करते हैं, उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, तो सद्धर्म टिका रहता है, क्षीण और लुप्त नहीं होता। और आगे कई सारी विभिन्न महाथेरियों के बारे में जानने के लिए, कई सारे सूत्र को सरल भाषा में समझने के लिए, बुद्ध के जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण प्रसंगों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिए। इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने मित्र परिवारों में इसे शेयर भी कीजिए। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।